विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनादेश का अपमान हो रहा है। चुनी हुई सरकार को अगर गिराना ही है तो चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया गया है कि 27 जून को उत्तराखंड में अग्निपथ को लेकर तमाम विधायक और नेता प्रदर्शन करेंगे। हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी ने उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है, क्या कुछ दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हमारे साथ है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, अब उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास भी खाली कर दिया है, सरकार जाती हुई दिख रही है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। देखिए, ये जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, उस पर हमला है और लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराने की, ध्वस्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और ये लगातार पिछले वर्षों में होता रहा है। उत्तराखंड में भी यही देखने को मिला। आज महाराष्ट्र में एक गठबंधन की सरकार, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन, कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी और कांग्रेस आज भी एकजुट है, हमारे विधायक सब एकजुट हैं। लेकिन जो एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए लोकतंत्र की, चुनी हुई सरकार, निर्वाचित सरकार, जनादेश, अगर उसका कहीं पर उस पर हमला होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है और फिर ये चुनाव, फिर ये जनादेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये वानगी नहीं है, ये शुरुआत से हो रहा है। और जहाँ तक शिवसेना में अंदरूनी जो कला है या जो उनके नेता हैं, ये उनका आंतरिक मामला है, उनका अपना विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि ये अच्छे संकेत नहीं है, निर्वाचित सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होंगे, फिर चुनाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यशपाल जी, लेकिन आपने कई दौर देखे हैं सरकारों का तख्ता पलट देखा, आपकी खुद की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम कर्नाटक की बात करें या सहयोग के साथ जो सरकारें, बीजेपी के कम आंकड़े होते तब भी उनका मुख्यमंत्री होता है, आपके ज्यादा नंबर होते हैं उसके बाद भी। तो अब जो महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को नहीं बचा पा रही है? ऐसे में यूपीए के जो घटक दल जो सहयोगी बढ़ रहे हैं, भले ही आप शिवसेना का अंदरूनी मामला कहें लेकिन कांग्रेस के सहयोगी है। देखिए, कांग्रेस कभी दूसरे दलों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करती है, न दखल होना भी चाहिए, न घुसपैठ होनी चाहिए। कांग्रेस ने एक सरकार बनी, शिवसेना की सरकार के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस से इसमें सम्मिलित हुई, अग्निपथ को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, उपवास करें, सत्याग्रह करें 27 जून को, तो पूरे प्रदेश में हम ये इसको करने जा रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे यशपाल आर्य, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जहां तक महाराष्ट्र की बात है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है और अग्निपथ को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।